सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी जमाने में काफी कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति काफी बुरी हो गई है। हमेशा अपनी जाति की राजनीति की है, लेकिन अपनी ही बिरादरी वालों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जात पात की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बसपा सपा जितनी भी पार्टियां हैं सब खत्म हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपने परिवार की राजनीति की, अपना जेब भरा और अपना घर महल बनवाए, लेकिन आज इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा कानून, अस्पताल, शिक्षा, सोने की चिड़िया बनता देश, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 6 लेन 4 लेन सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और जितनी पुरानी राजनीति थी वह सभी खत्म हो चुके हैं और सब वोटर हो गए हैं। युवा विकास चाहता है। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस के बारे में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जात वाले और इनकी पार्टी इनके सपोर्ट में नहीं है। श्री रामचरितमानस के बारे में बोलकर उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा ही काम उन्होंने किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि स्वामी, मैं उनकी बिलबिलाहट को जानता हूँ। मौर्य जी देखिए, आज उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। अच्छे कद्दावर नेता थे किसी ज़माने में, अपनी जात की राजनीति करते थे, अपनी जात के लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। क्या सत्य ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने, इन लोगों ने जात पात की राजनीति को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। इन लोग ख़त्म हो गए। बसपा सपा इनकी बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि इन्होंने परिवार की राजनीति की, अपने महल बनाए, अपने लोगों को पाला, अपने हीरे जवाहरात बनाए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने चाचा भतीजा के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, जमीन खरीदा। आज ये ख़त्म हो गए, क्योंकि सड़क, विकास, बिजली व्यवस्थाएँ, सुरक्षा कानून, सोने की चिड़िया बनता देश, गीडा, एम्स, इंडस्ट्रियल एरिया, चीनी कारखाने, 6 लेन 4 लेन हब बन चुका है। हर जगह आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, हर जगह हो रहा है। ये व्यवस्थाओं ने ये जात पात को ख़त्म कर दिया। अब हो गए हैं वोटर्स युवा। युवा चाहता है विकास, युवा चाहता है नया भारत, युवा चाहता है अपने आप को विश्वगुरु के भारत में जुड़ता हुआ। जात पात की राजनीति खत्म हो गई। इन लोगों की ये रामचरितमानस और ये सब बोलने से ये 100 करोड़ के हिंदुओं को आघात ही पहुँचा है। इनकी जात वाले भी इनके सपोर्ट में नहीं, इनकी पार्टी के नेता इनके सपोर्ट में नहीं। इन्होंने अपनी, ये कहते हैं ना, अपना गोड़ लेके अपने मुँह में डाल लेना, ये सब इन्होंने बहुत गलत काम किया। ऐसे शब्द से बचना चाहिए था। खैर, यही ऐसे टाइप की लीडर ही अपनी पार्टी को का नाश करते हैं। ये अपनी पार्टी का जो बचन कुचल इज्जत बा वो नाश के देगा।